बदायूं पुलिस को मिली बड़ी सफलता, इनामी बदमाश और उसका साथी गिरफ्तार, चोरी की बाइक व असलहे बरामद। यूपी के बदायूं में पुलिस की सूझबूझ से लूट की बड़ी वारदात होने से उस वक्त बच गई जब इनामी बदमाश व उसका साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की दो बाइकें व असलहे बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी व एसपी सिटी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत भारतीय स्टेट बैंक की लोटनपुरा शाखा के पास लूट की बड़ी वारदात होने से पहले ही लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। बैंक के बाहर बड़ी घटना के इरादे से आया एटा जिले का सातिर हिस्ट्री सीटर व इनामी बदमाश भीष्मपाल, जिसके ऊपर एटा पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भीष्मपाल उर्फ संदीप गांव मेहता थाना जयथरा व उसका साथी बिमलेश पुत्र रति राम निवासी गांव जयथरा जिला एटा बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे। इनके कब्जे से तमंजे व जिंदा 315 बोर कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल यूपी 87EL817 अपाची RTR 160, जिसका वास्तविक नंबर UP87EL6890 है, एक मोबाइल नोकिया कीपैड तथा 430 रुपए बरामद किए। दूसरे साथी के पास से एक मोबाइल कीपैड सैमसंग, एक मोटरसाइकिल DL-TSJ-5191 हीरो होंडा सीडी डिलक्स बरामद की गई। कोतवाल ओमकार सिंह ने बताया कि दोनों बदमाश हिस्ट्री सीटर हैं, जिनमें एक पर एटा पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां लूट की बड़ी वारदात होने से बच गई, वहीं पुलिस की कार्यशैली की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इंडिया पावर न्यूज के लिए मोहम्मद आरिफ खान की रिपोर्ट। पकड़ा गया और उसके पास से क्या क्या बरामद किया गया? एसएसपी सर के निर्देशन पर जो वाहन चेकिंग चल रही थी, उसके चलते इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम द्वारा स्टेट बैंक की जो मेन ब्रांच है उसके पास से दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे तमंचे, मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जिस तक पूछताछ करने में ज्ञात हुआ कि उनमें 15,000 का इनामिया है, एटा का रहने वाला है और दूसरा उसका साथी था। इन दोनों के नाम क्रमशः भीष्मपाल सिंह और बिमलेश है और दोनों को पकड़ गया पुलिस आवश्यक। ये बैंक के पास कोई घटना करने के लिए आए थे और इसी तैयारी के तहत आए थे, इसीलिए हम पहुंचे। पूर्व में इनका अपराध इतिहास रहा है, जनपद एटा से रहा है, वो डिटेल में प्राप्त कर लिया है। 15,000 का नाम भी जनपद एटा से रहा है।